मैं आना से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमने आना से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे अनंत? तुम्हारी रोश से सिर्फ 5 या 6 साल बड़ी है। मैंने तुम्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है। तुमसे शादी करके इसको जिंदगी नहीं मौत की सजा मिलेगी। अनंत माथुर से तो मैं शादी करके रहूंगी, आप चाहे ना चाहे, आए या ना आए। जिस जवानी को तुम आज ठुकरा रही हो ना, कल उस जवानी के लिए तरस जाओगी। तो जिस दिन ये बंधन कैद बन जाएगा, उस दिन याद करोगे मुझे। मेरे बारे में सोच रहे हैं? तुम ठीक हो ना? आप ठीक नहीं तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? एक बार फिर पहना दीजिए, अब मैं छुपाना नहीं चाहती। इरादा बदल दिया? नहीं आना, इरादा नहीं बदला, लेकिन मन में सवाल उठ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सवाल सिर्फ एक है, आप और मैं क्या चाहते हैं? जिसको समझना था वो समझ चुके हैं। आपकी फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारी मॉम? मॉम की रजामंदी लेके मैंने अपनी लाइफ की डिसीजंस लेना बहुत पहले छोड़ दिया। शादी करना मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल डिसीजन है। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ मैं करूँगी। मॉम की ना से ज्यादा आपकी फैमिली की हाँ जरूरी है। नहीं आना, तुम्हारे मॉम की इजाजत भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी की वजह से किसी और को दुख मिले। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ना, लेकिन जब तक तुम्हारी मॉम अपनी मर्जी से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं रखती थी, मैं इतने साथ करूंगा। इतनी मैच्योरिटी और समझदारी मुझे पसंद नहीं। ये खामियां तो है मुझे, तुम्हें टॉलरेट करनी पड़ेगी। कर लूंगी। शादी ना सही, एंगेजमेंट तो कर सकते हैं। आप फिर सोचने लगे? सोच रहा हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि लैला ने क्या कहा। समझ में नहीं आ रहा उनसे मैं क्या कहूँ। सच जो हुआ बता दीजिए, सच छुपाने से कभी अच्छा नहीं होता। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी बेटी आना से शादी कर सकता हूँ? मैं आना से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार की उम्र को तालमेल की जरूरत नहीं होती। मैं आना से प्यार करता हूँ और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। We'll be right back.
कौन श्रीवास्तव? हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, अभी मिल सकते हैं? मैं आज और टेंशन लेने के मूड में नहीं हूँ श्रीवास्तव, कल मिलेंगे। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी मैम, प्लीज आज ही मिल लीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगा, बस 10 मिनट। ओके ठीक है, क्लब में आ जाओ, ठीक 20 मिनट, मैं रुकूंगी नहीं। ओके फाइन। रूम नंबर 18। पर इनकी मेहरबानी से हमारे बाबूजी की टांग टूट गई है, हाँ देखो पड़े हैं बिस्तर पे। क्या कैसे कैसे अपनी महंगी वाली गाड़ी से ठोक दिया उन्होंने उसे? महंगी वाली गाड़ी किसकी? आप क्या नो कम ऑन शोमा, मैंने तुम्हें मना किया था वो गाड़ी। भाई साहब पहले हमें 10 लाख रुपए दे दो हर जाने का, जिससे हम जाएं बाबूजी को लेके यहाँ से। 10 लाख रुपए? क्या आपके बाबूजी? रिहान रिहान सिर्फ घुटने पे चोट लगी है, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग सीरियस। सब इतनी सी चोट के लिए 10 लाख रुपए हर्जाना है? भाई साहब बड़ी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट होता है तो कीमत तो देनी पड़ेगी ना उसकी। मैंने तुम्हें मना किया था यार वो गाड़ी छूने से, गलती तुम्हारी और फंस गया मैं, ये मैं को क्या बोलूंगा मैं यार। मेरे अंकल की गाड़ी मिली थी तुम्हें एक्सीडेंट करने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से लाऊं 3 करोड़ रुपए। तरुण कोई तो रास्ता होगा, सोचो। मॉम डैड ने सारे रास्ते बंद कर दिए, आप जानती हैं मैं आज एक इंटरव्यू के लिए गया था, उन्होंने कहा मुझसे कि मुझसे अच्छा कैंडिडेट उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन यू नो वो फिर भी मुझे जॉब नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप डैड से नहीं खराब करना चाहते। तुम एक काम करो, तुम लैला से अपने 3 करोड़ रुपए वापस मांग लो, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना। मॉम पर सलोनी को पता चल गया तो? नहीं रहने देते हैं, मैं लैला रायचंद से वो पैसे वापस तो नहीं मांग सकता। तो मांगो या ना मांगो मुझे मेरे 3 करोड़ रुपए वापस चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कैसे क्या करोगे? नौकरी करोगे? 30 साल तक भी जूते घिसते रहे ना तब भी इतने पैसे तो नहीं कमा पाओगे। अब मेरे साथ ऐसे सलूक कैसे कर सकते? मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, वो तो तुमने किया है मेरे साथ, तुमने उस कमीनी औरत का साथ दिया है। उस औरत ने मुझसे सिर्फ मेरे पैसे नहीं, उस औरत ने मुझसे मेरा बेटा भी छीना है। चुप हो जाइए, कितनी भी बुरी औरत नहीं है वो, अरे जो कुछ हुआ भूल जाइए उसे, हमारे बेटे तरुण को उसके फिकर में रखा हुआ है, हमारे रिश्तेदार है वो। मेरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ, ना ही इससे। वो औरत चाहे तो इसे जिंदगी भर अपने घर में रख सकती है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। आनंद जी के साथ है ना, ये सब क्या हो रहा है आनंद जी? और तू, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि आनंद जी मॉम से शादी कर। बिल्कुल भी नहीं, आनंद जी मॉम से कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। पर मॉम तो गलतफहमी हुई और मैंने मॉम को ये सोचने दिया। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मॉम को भी रियलाइज हो कि प्यार में जब ठुकराया जाता है तो कैसा लगता है, कितना हर्ट फील होता है। तू तो मॉम से बदला लेने के लिए सब कर रही है, तू पागल हो गई है ना?
ये कोई वजह होती है अपनी जिंदगी बिताने की? बिना प्यार और पैशन के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का क्या मतलब? और जो मॉम रिश्ता बनाना चाहती है अनंत के साथ हस्बैंड वाइफ का, वो सही है? पहले प्यार का नाटक, फिर धोखा, ये प्यार सही है? ये रिश्ता सही है? महाना, मॉम की गलतियों के आईने में अपनी जिंदगी को देखना बंद कर। जो रिश्ते ना नफरत पे टिके होते वो कभी सही नहीं होते। तेरे और अनंत जी के बीच में कुछ दोस्ती है, इज्जत है, भरोसा है, और ये प्यार से बहुत बढ़कर है मेरे लिए। स्टॉप इट आहना, प्लीज। कभी कहती है दोस्ती है, कभी कहती है मॉम से बदला लेना है। तुझे पता है तू क्या कर रही है? आई एम टेलिंग यू, यू विल रिग्रेट दिस। आई विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग, और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, शुरुआत मैंने मॉम से बदला लेने के लिए की थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अनंत के साथ टाइम स्पेंड किया ना, वो बहुत अच्छे हैं। तुझे पता है तू सिर्फ अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है आना। मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रही सलोनी, एंड ट्रस्ट मी, अनंत बहुत अच्छे हैं। सलोनी, तो जानती हूँ ना मुझे रात को नींद नहीं आती, और अब देख मैं कितनी चैन से सोती हूँ, और खुली आंखों से ना पागल जैसे सपने भी देख रही। पागलपन की कमी नहीं है मेरी लाइफ में। खैर, आपकी जरूरत है जो अनंत मेरी लाइफ में लाए। मैं अब यहां नहीं रह सकती अनंत जी, मैं आपसे प्यार करती रही हूं अनंत जी, सालों से करती आई हूं, और ये चाहती रही कि एक दिन अपने अधूरे प्यार को आपकी आंखों में पूरा होते देखूं, और फिर एक दिन मैंने आपकी आंखों में वो प्यार देखा, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, आहना के लिए था। अगर ये कहूं कि मैं आपके लिए खुश हूं तो झूठ होगा, मैं खुश नहीं हो पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको किसी और के साथ देख पाऊं। आपको अपना प्यार मिल जाएगा, रोशनी और आरव को अपनी नई माँ, आपका परिवार पूरा हो जाएगा। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मौसी, चलो ना वीडियो गेम खेलते हैं। मौसी, इसके साथ गेम्स खेलो, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा। मौसी, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अरे नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, आंखों में एलर्जी हो गई है। मौसी, आरव, तो आरव को आज वीडियो गेम खेलना है? नहीं, खेलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आरव, कम, लेट्स गो, कम। कुछ कहना है आपको दीदी? ये दोनों मेरी जिंदगी है। वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम उनकी चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखोगे। वादा करो। मैं वादा करती हूँ दीदी, आज से तुम उनकी माँ हो, तुम उनको इतना प्यार देना कि वो मुझे भूल जाए।
डैड मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरे हिस्से का प्यार कभी किसी को नहीं बांटोगे। करण अपना फोन देना, वो लक्ष्मी स्टोर पर कॉल करना है। तेरा फोन कहाँ है? वो कमरे में चार्जिंग पर लगाया है। चार्ज नहीं हो गया अभी तक? नहीं, वो स्विच ऑन करना भूल गई ना मैं। इससे पता चलता है तू कितनी समझदार है। अच्छा फोन ही मांगा है तो उससे कौन सा तेरा हाथ मांग लिया, दे देना फोन। वैसे अनंत साहब अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे कैसे होंगे। हाँ बात ही ऐसी है, परेशान तो होंगे। पर तू तो बहुत खुश होगा ना। मैं खुश क्यों होगा? वो क्या है ना करण जी, जब आपकी रोशनी मैडम खुश होती है ना तो आप अपने आप खुश हो जाते हो। नहीं ये फोन ले और अपना मुंह बंद रख, ठीक है? करण वो ना यामिनी मैम ने मुझे गार्डन में पानी डालने के लिए बोला था और मैं भूल गई, मैं ना जाके पानी डाल के आती हूँ, ठीक है बाय। वो फोन तो दे दे। ओए यहाँ क्या करिए, ये वापस देने आई थी। अच्छा कल जब मैंने तुझे गिफ्ट चौपाटी पे बुलाया था तब क्यों नहीं आई तू? बस नहीं मिली मेरे को इसलिए आज आई हूँ। ठीक है अब जाती हूँ। अच्छा सुन मेरे बात, अगर कोई पूछे ना कि परसों मैं तेरे साथ थी तो बोल देना मुझे नहीं पता, और हाँ नहीं मैं तेरे साथ ही थी, ठीक है? क्यों? मैं क्योंकि लड़का हूँ जो तुम बदनाम हो जाएगी। नहीं तू लड़का नहीं, मगर अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। परसों कितनी मस्ती की थी ना हमने, परसों बहुत मस्ती किया था। अरे डैड मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरे हिस्से का प्यार कभी किसी को नहीं बांटोगे। फाइव फोर थ्री आरव चुप गया, आरव आ रही हूँ। टू वन आरव कहाँ है? छोटा बेबी आरव कहाँ है? आरव मैं आ रही हूँ। I spy आरव, मैं जीत गई। चल अब मेरी डैड।
मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरे हिस्से का प्यार कभी किसी को नहीं बांटोगे। करण, बच्चे पहली बार अकेले जा रहे हैं, वहां पे उनका ध्यान रखना। डोंट वरी डैड, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी, आरव को भी। That's great, but मेरा ख्याल कौन रखेगा? आहाना है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मिसेज राजचंद, कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। आहाना क्या कहती है? आहाना कहती है कि मुझसे शादी करेगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फैसला तो आप दोनों का है। जब तक लैला हाँ नहीं बोलेगी, मैं ये शादी नहीं करूँगा। करण, बच्चे पहली बार अकेले जा रहे हैं, वहाँ पे उनका ध्यान रखना। डोंट वरी डैड, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी, आरव को भी। दैट्स ग्रेट, बट मेरा ख्याल कौन रखेगा? आहाना है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मिसेज राजचंद, कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। आहाना क्या कहती है? आहाना कहती है कि मुझसे शादी करेगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फैसला तो आप दोनों का है। जब तक लैला हाँ नहीं बोलेगी, मैं ये शादी नहीं करूँगा।